नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप दावड़ा चित्तौड़गढ़.com पे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हूँ और आईपीओ रिव्यू दे रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएसई एसएमई आईपीओ के बारे में, जो 24 मार्च को खुल के 26 मार्च को बंद हो रहा है। जी हाँ, ये इश्यू है सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड, जो कि एसके के ग्रुप सिंगापुर के टेक्सचर पेंट्स के लिए इंडिया के एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर है और इन्होंने पिछले वित्तीय तीन साल के लिए अच्छी कह सके ऐसी कारीगरी दर्शित की है। अगर हम डिटेल में बात करें तो कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 के लिए 22.15 करोड़ के कारोबार पर 2.56 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। वित्तीय वर्ष 19 के लिए कंपनी ने 32.24 करोड़ के कारोबार पर 3.51 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था और वित्तीय वर्ष 2020 के लिए कंपनी ने 30.42 करोड़ के कारोबार पर 2.96 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से पेंडेमिक के चलते लॉकडाउन हुआ, कई सारी स्थितियां थम गई, तो उसी का परिणाम देखते हुए कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के प्रथम 6 माह के लिए 6.15 करोड़ के कारोबार पर सिर्फ 19.98 यानी हम कह सकते 20 लाख का ही प्रॉफिट किया है। लेकिन जब पैंडेमिक खत्म होगा तो ये कंपनी फिर से अपने कारोबार की और गति करने के लिए विश्वासमंद है और कंपनी के अगर कारोबार के लिए देखा जाए तो वो एकमात्र एसके के ग्रुप की भारत के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, जो कि टेक्सचर पेंट्स के लिए ही कारोबार कर रही है। तो इस कंपनी ने अपने 10 रुपये के शेयर के लिए 57 रुपये का भाव रखा है। आपको इसमें आवेदन करने के लिए कम से कम 2000 शेयर की अर्जी करनी होगी या तो उसके गुणोत्तर में। कंपनी इस इश्यू के जरिए 4.70 करोड़ जमा करने की उम्मीद रख रही है। मेरे हिसाब से अगर हम 3 साल की अगर बात करें पिछले, तो कंपनी ने जो प्रदर्शन किया है उसके हिसाब से 57 रुपये प्रति शेयर का जो भाव है वो रिजनेबल दिख रहा है। तो इसमें अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करने का सोचते हैं तो आप जरूर सोचिएगा, लेकिन इसके पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें निवेश करने के लिए निर्णय करिएगा। धन्यवाद।